कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता, कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पाव को धरा पर जमाना और दूसरे पाव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे, तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? चूंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है